और अब अगली खबर अफगानिस्तान से लेंगे, जहां पर जिस बात का डर था वही हो रहा है। वहां हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी की सजा सुना दी गई है और साथ ही कोर्ट ने एक मामले में दोषियों को सार्वजनिक तौर से कोड़े मारने की सजा सुनाई। तो अफगानिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा सुनाई गई है एक शख्स को, जिसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। दोषियों को लोगों के बीच में कोड़े भी मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान से देखिए किस तरह से इंसाफ की ये बेइंसाफी वाली तस्वीर सामने आ रही है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। ये आज की अफगानिस्तान की तस्वीर है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद फिर लौटा पुराना राज। लोगों के बीच सरेआम मारी गई कोड़े, सार्वजनिक रूप से दिखी क्रूरता। ये तस्वीर आज के अफगानिस्तान की है। ये तस्वीर अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान के क्रूर सच को दिखा रही है। तालिबान जब सत्ता में लौटा तो उसकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन असल में तालिबान की हुकूमत कितनी क्रूर है वो ये तस्वीर चीख चीख कर बयां कर रही है। अब इस वीडियो को देखिए, सरेआम लोगों के बीच बुर्का पहने इस महिला पर कोड़े बरसाएगा। तालिबान का एक लड़का उसे पीटते पीटते थक गया तो फिर दूसरे लड़के ने कोड़े उठाए और पिटाई शुरू कर दी। वो महिला चीखती रही चिल्लाती रही, लेकिन तालिबान लड़ाकों का दिल नहीं पसीजा, उस पर कोड़ों की बरसात जारी रखी। ऐसी ही तस्वीर आजकल अफगानिस्तान के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तालिबान की क्रूरता से लोग परेशान हैं। इससे पहले हत्या के एक मामले में गुरुवार को सरेआम फांसी दी गई थी। स्टेडियम में सरेआम दी गई इस फांसी को देखने के लिए तालिबान नेता, तालिबान सरकार में मंत्री और वहां की मिलिट्री अधिकारी भी पहुंचे थे। खबर है कि इस दौरान असॉल्ट राइफल से फायरिंग भी की गई।